मोदी उपनाम के केस ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तेजी से केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है उसे देखकर 14 विपक्षी दल एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार भी किया है और 5 अप्रैल को सुनवाई की तारीख भी मुकम्मल कर दी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नाम पर केंद्र सरकार की राजनीति के तरीके को लेकर सोशल मीडिया में खूब हंगामा बरपा है। आखिर सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान को लेकर सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई और उसके एक दिन बाद संसद सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन यहाँ एक मिनट रुकिए और थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करके 5 साल पीछे ले जाइए और देखिए एक ट्वीट। यह ट्वीट खुशबू सुंदर ने किया है। यह ट्वीट खुशबू सुंदर ने 15 फरवरी 2018 को किया था। जिस वक्त खुशबू सुंदर ने यह ट्वीट किया था तब वो कांग्रेस पार्टी में थी। खुशबू ने ट्वीट में लिखा है, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, जहाँ देखो मोदी, लेकिन ये क्यों हर मोदी के आगे भ्रष्टाचारी सरनेम लगा हुआ है, आइए इसको बदलें। यह ट्वीट खुशबू ने तब किया जब वह कांग्रेस में थी। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी खुशबू को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या खुशबू सुंदर के खिलाफ भी पूर्णेश मोदी मामला दर्ज कराएंगे? तो इसका जवाब देना शायद पूर्णेश मोदी को कठिन हो, लेकिन इसका जवाब अगर मांगे तो पूर्णेश भाई मोदी देंगे भी कैसे, क्योंकि अब तो खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई है और अहम जिम्मेदारी भी बीजेपी ने उन्हें दे रखी है और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी हैं। खुशबू सुंदर ने 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था। अब सोचिए उस ट्वीट का इनाम बीजेपी ने इन्हें क्या दिया। 201 में ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में चेन्नई की 1000 लाइट्स विधानसभा से टिकट दे दिया। हालांकि बीजेपी का यह दाव चल नहीं पाया और डीएमके के एलजियान एन से हार गई खुशबू सुंदर। अब बीजेपी के पूर्णेश भाई मोदी जी, इतनी सतर्कता काश आपने तब भी दिखाई होती, लेकिन क्या ही कहे, पूर्णेश भाई मोदी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ अगर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की बात करें तो वो पहले असम के कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थे। शारदा चिटफंड घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी ने उनकी जांच शुरू की तो वह बीजेपी में जाकर शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। हिमंत विश्व शर्मा के बारे में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया यह भी सुनिए। हिमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। आखिर बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें आरोप धुल जाते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी गंगा है जिसके पावन पानी में जो डुबकी लगाए वो शुद्ध हो जाता है और सारे आरोप से मुक्त हो जाता है। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।